हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ह्यूंडई की वरना ओल्ड शिप वरना, तो उसका आज हम ओनर्स रिव्यू करने वाले हैं। ये रहने वाली है हमारी वरना डीजल और मॉडल वगैरह सारा अभी ओनर बता देंगे हमें, तो लेट्स स्टार्ट। आई डोंट वांट एनी पार्ट ऑफ दिस। तो भाई ये ओनर है इस गाड़ी के, और पहले ये जो बेसिक डिटेल्स होंगी गाड़ी की वो देंगे। तो भाई बता दे एक बार, गाड़ी कौन से मॉडल की है, वेरिएंट वगैरह एक बार ऑडियंस से बता दे। ये हुंडई वरना है, 2013 मॉडल, एसएक्स ऑप्शनल टॉप। अच्छा, और डीजल है पेट्रोल? नहीं, डीजल है। अच्छा, अराउंड 92,000 प्लस चल पड़ी। अच्छा, फिर ये कितने की लेकर आया था आप? उसका तो आईडिया नहीं है अब, क्योंकि ये 3-3.5 साल पहले सेकंड हैंड ली थी। अच्छा, फिर मतलब क्या आपने कितनी चला दी? हमने अराउंड 30 प्लस तो चलाई थी। अच्छा, फिर क्या कैसा एक्सपीरियंस? इसको हमने ये 2019 में ही ली थी। हाँ, तो क्या पिछले साल स्टार्टिंग में 2019 स्टार्टिंग में, तीन साल कहाँ हुए? फिर वही तो कह रहा हूँ, दो साल हुए। अरे अनकॉन्शियस हो रहा हूँ मैं थोड़ा, इसलिए बता रहा था। तो इसको 1.5-2 साल हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, और उसमें ये 30 प्लस चल चुकी है। अच्छा, 30 प्लस मतलब आपने चलाई है? नहीं, मैंने और मेरे भाई ने, क्योंकि अच्छा, इस पे ट्रिप्स ज़्यादा लगी हैं। अच्छा, लॉन्ग ट्रिप्स। हाँ, जैसे अभी लास्ट ये गई थी, लास्ट अभी राजस्थान गया, लिख गया था मैं इसको थोड़े दिन पहले ही। अच्छा, महीना पहले ही। हाँ, उससे पहले जैसे घूम जाती कहाँ है, मतलब लोकल कम चलती है? लोकल चलती है लेकिन ज़्यादा नहीं चलती, जैसे ऐसे ही चलती है। जैसे भाई जॉब पे ले गया, मैं कॉलेज ले गया, मैं कॉलेज लेके जाता हूँ। फिर क्या माइलेज क्या निकाल देती है ये? माइलेज अगर इसकी वैसे देखी जाए हाईवे पे तो 20 प्लस है। और मेरे पास एक वीडियो है, एक बार दिल्ली से रोहतक जा रहे थे। अच्छा, मेरे पेपर थे तब रात को, तब मैंने इसको 60 के उस पर चलाया था। हाँ, टोटल मतलब पूरे 60 से ऊपर लेके ही नहीं गया स्पीड में, पूरे हाईवे पे इस पे। फिर क्या कह रहा है, 27-28 की आ गई? 28.2 की दिखाई थी, और मेरे पास जो वीडियो उसमें 28 की एवरेज है इसकी। तो MID में दिखाई होगी ना ये? तो MID में, तो फिर इससे एक आध दो कम मिल जाती है, पर वो वीडियो पड़ी होगी? वो वीडियो है मेरे पास, ठीक है, डाल देंगे साथ में। और वैसे सिटी प्लस, और सिटी में तो अगर वैसे सिटी में चलाओगे तो सिटी में कम ही चलती है, दिल्ली में तो कम ही चलती है, लेकिन जितनी भी चलती है उस हिसाब से चलती है अराउंड 15 से ऊपर ही है, 15-16-20 17-18 होगी मेरे ख्याल से। हाँ, इतनी, क्योंकि चेक नहीं करते ना, इतनी कम चलती है ना इस वजह से, मतलब हाईवे पे ज़्यादा चलती है। तो हाईवे। अच्छा, तो ये इसकी रहती है हमेशा। तो पेट्रोल वरना चलाई आपने? पेट्रोल वरना मतलब कभी चलाई हो? नहीं यार, नहीं चलाई। नहीं चलाई तो वरना ये पहली थी घर में? ये वरना नहीं, इससे पहले एक और वरना थी हमारे पास, डीजल ही थी वो भी। हाँ, 2010 मॉडल एक आई शेप वरना आई थी। हाँ हाँ हाँ, इससे भी, इससे पहले वाला जो जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन था, उसके पास एक सेकंड जनरेशन था जो फेसलिफ्ट था। हाँ हाँ, तो वो थी। अच्छा, तो वो भी थी, उसका उसका पिकअप जो होता ना वो इससे तो बहुत ही ज़्यादा था। पुरानी गाड़ी तो उसमें क्या इंजन वो, उसमें भी 1.6 का ही आता था, पिकअप ज़्यादा था, उसमें पावर ज़्यादा थी। अच्छा, इसमें इसमें थोड़ा कम है, लेकिन उतना ये इसमें भी है कि आप इसमें रेस दोगे, एक बार पैडल पे पैर रखोगे पीछे आपको फील होगा कि आपको एक झटका, मतलब एक पंप वो मिलता है, मतलब वो एक तो आपको फील होता है। एक तो होती है गाड़ी में कि मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होती है एक्सेलरेशन, एक होता है एकदम से। आप इस गाड़ी में किसी जिसके पास होगी डीजल की वो बता देगा कि स्टार्टिंग में पंच तो है इसमें। नहीं, वरना का डीजल इंजन और i20 का डीजल इंजन तो फेमस है ही। तो i20 इस चक्कर का डीजल इंजन है वो 1400 है, इसका 1600 है, फर्क तो है ही। फर्क तो है, गाड़ी भी तो बढ़िया है, वेट भी ज़्यादा है इसका। अच्छा, तो ये मतलब डीजल लेने का कुछ रीज़न था कि डीजल ही लेनी है ऐसा कुछ? इससे पहले हमारे पास एक i20 थी, ठीक है, वो हमने 7-8 महीने चलाई थी, 7 महीने भी मुश्किल चलाई थी, ठीक है, नहीं लेकर आया था वो। हाँ, 2018 में। अच्छा, इसके लेने से पहले तो वो फिर 6 महीने में हमने बेच दी थी, वो सेल आउट कर दी थी, वो 10-12 हज़ार चलाई थी किलोमीटर, 10-12 हज़ार किलोमीटर उतने में उसको सेल कर दिया था। रीज़न? ज़्यादा ही चला रहे थे ना, हमें अच्छा लगा था कि कम चलेगी, लेकिन वो ज़्यादा ही चल रही थी। अच्छा, तो फिर उसको बेच दिया माइलेज के चक्कर, मतलब पेट्रोल के चक्कर में। i20 तो पेट्रोल में इज लाइक, एक तो हम चलाते जाते हैं, भी हम लेके गए थे जैसे उसको लाए थे, तो पहले ही दूसरे हफ्ते में हम उसको लेके चले गए थे। अच्छा, मसूरी लेके गए थे, तो एक बार याद है हम i20 को मसूरी लेके गए थे, तब उसमें अराउंड 3300 प्लस का पेट्रोल लगा था उसमें फुल टैंक।
जाने आने में इतने का लग गया था। अच्छा टोटल लग गया था जाने आने का इसमें 2600 के अराउंड। तो वो ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर गाड़ियों को ट्रिप पे लेके जाते हो तो वहाँ पे फ्यूल मैटर नहीं करता। फ्यूल मैटर करता आप सिटी में चला रहे हो रोज की जो ड्राइविंग है उसमें फ्यूल कंजप्शन मैटर करता है मैटर करता है। तो मतलब अभी इसका कुछ अभी चलाने का प्लान है इसको या क्या रखने का है या अभी आगे बेचनी वेचनी है इसको वापस से? मैं बता देता हूँ ये बेच दिया आज। अच्छा आज बेच दिया है और आज लास्ट डे इसका। इतनी शाम को इसका वीडियो बना रहे हैं इसकी क्योंकि इसको बेच दिया है तो अब देखते हैं कौन सी लेंगे। अभी i20 वापस लेंगे उसके बाद। तो मतलब आप मतलब फिर क्या है इसका इसके साथ आपका गुड एक्सपीरियंस है बैड एक्सपीरियंस है? मेरा तो प्यार क्योंकि जितनी चलाई है मैक्सिमम तो इसको मैंने ही चलाया है अपने घर में। अच्छा मेरे घर में मैं ही चलाता हूँ ज्यादा। और मेरे को पर्सनली जो न्यू शेप वाली है ना जो भी नई जनरेशन आई है वरना उससे ज्यादा बढ़िया लगती है ये वाली। मतलब मुझे वो सबकी अपनी अपनी पसंद है लेकिन मेरे को ये थोड़ी बोल्ड लगती है थोड़ी हैवी लगती है ये देखने में। वही है ना वरना में अब ग्रेजुअली वरना जो जो आ रही है नेक्स्ट जनरेशन उसमें पावर थोड़ी कम होती जा रही है। मैं अगर मैंने चलाई तो नहीं है नई वाली बट लुक्स के मैंने चलाई है जो अभी लॉन्च हुई है जस्ट अभी। हाँ 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 वो भी चलाई है BS6। हाँ अच्छा इससे पहले जो आई थी वो भी चलाई है दोनों चलाई है लेकिन उनका अपना मजा है इसका अपना मजा है। अच्छा हर गाड़ी का मजा तो अब अलग अलग ही है ना। तो इसमें कुछ आफ्टर मार्केट कराया है? इसमें आफ्टर मार्केट हाँ नहीं हमने तो इसको जैसे लेकर आया था वैसे ही है जब से लिया वैसे ही। मतलब सिस्टम ऐसा कुछ नहीं कुछ चेंज नहीं करा रखा शायद इसमें डैम्पिंग तो हो रखी है डोर्स में उसने बताया था जिससे हमने ली थी। अच्छा उसने स्पीकर भी वैसे कभी चेक नहीं करे चारों स्पीकर चेंज करा रखे हैं उसने। अच्छा अगले नहीं करा रखे थे मतलब तुमने नहीं कराया खुद से? हमने कुछ नहीं कराया। अच्छा बेस ट्यूब लगा रखी है? हाँ, है बेस ट्यूब। अच्छा अभी सिस्टम एक बार सुना देंगे। मैं क्या कह रहा था कि इसके साथ मैं बताऊं कहां कहां ये जैसे गई है। अच्छा कभी इसको पहाड़ों पे लेके गए? अरे मैं बताता हूँ ना वैष्णो देवी फिर आगे पत्नीटॉप फिर अभी उससे पहले मेरे भाई का एक दोस्त है वो लेके गया था इसको मनाली कसोल फिर उससे पहले मेरा भाई लेके गया था मैं इसको जहाँ लेके गया हूँ मैं एक बार इसको मसूरी लेके गया हूँ राजस्थान लेके गया हूँ राजस्थान और राजस्थान तो मैं अभी दोबारा भी लेके गया था। अच्छा और एक बार ये वहाँ पे लेके गए थे हम उत्तराखंड में। अब कभी स्नो में चलाई है? स्नो में चलाई है? स्नो में नहीं चलाई इसको। तो भाई अभी ये तो हो गया गुड एक्सपीरियंस के जहाँ जहाँ आप लेके गए। अच्छा उसके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो कभी ब्रेक डाउन हुई हो या कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ? जब से हमने इसको लिया है ब्रेक डाउन तो इसमें कोई हुआ नहीं क्योंकि इसको लेते एक बार तो सबसे पहले कंपनी में सर्विस करा दी थी जब ली थी उसी के साथ क्योंकि कंपनी में हमारा हुंडई में एक नॉन है सर्विस सेंटर। अच्छा कहाँ से कराते हो सर्विस? हम यहाँ पे मुंडका दीप हुंडई से दीप सर नॉन है उसके थ्रू करवा देते हैं तब करवाई थी। तो इसमें जो जो खर्चा था जब हमने ली थी तब इसकी सर्विस कराई थी मेजर सर्विस थी वो 50,000 की होगी ना सर्विस 50,000 वाली मेजर सर्विस थी वो कि इसमें जो जो पार्ट नहीं था जो भी खराब था लाइटिंग वाइटिंग तो इसका हमारे उस टाइम पे 35,000 रुपये का बिल बना था। अच्छा कंपनी से? हाँ कंपनी से लेस करा के ही बनाते हैं तो बनता तो वैसे ज़्यादा ही लेकिन लेस कर दिया था उसने तो इतने का बना था। उसके बाद अभी इसमें बैड एक्सपीरियंस जो आपने पूछा था वो मैं बताता हूँ कि लाइक अराउंड जून में मेरे बर्थडे वाले दिन एक्सीडेंट हो गया था इसका जून 2020। हाँ अभी। अच्छा मेरे भाई से लग गई थी मामा वाले बेटे से। ठीक है। जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तो आगे से लग गई थी उस साइड से कंडक्टर साइड से। अच्छा तब इसमें खर्चा हो गया था मतलब तो ज्यादा लग गई थी भी। लेकिन अब ठीक करा रखी है बिल्कुल ज्यादा लग गई थी। हाँ आगे से बढ़िया लग टेंट बढ़िया आया था अंदर तक। अच्छा उसकी फोटो वोटो होगी? हाँ उसकी फोटो वो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है। टायर फट गया था इसका बहुत कुछ चेंज हुआ था इसमें तो फिर तब भी तब क्या खर्चा आया जब ये उसने ठीक कराई थी जिसने एक्सीडेंट किया था तब ज्यादा ठीक नहीं हुई थी क्योंकि एक साइड जा रही थी मैकेनिक को ऐसा ही था। तो अभी दोबारा दे के आए थे हम इसको मैकेनिक के पास अराउंड महीना पहले तो अभी बिल्कुल ठीक है और अब सर्विस भी करा दी। वो मैकेनिक ये कंपनी में ही देख रहे थे क्या? फिर से कंपनी में। फिर क्या खर्चा आ गया उसमें? अब उन्होंने कंपनी वालों ने वो इसका बिल बनाया था 22,000 रुपये का। अच्छा मतलब अभी ओके बनवाते हैं लेकिन बनता तो ज़्यादा। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। तो मतलब क्या अगर 2020 में मानो तो किसी को इसको बेचना चाहता हूँ। अच्छा फिर क्यों? भाई चाहता है कि इसको बेच दें। हाँ तो फिर प्लान क्या है आगे फ्यूचर में? फिर कोई गाड़ी तो लेनी पड़ेगी वो देख के जाएंगे। मैं कुछ बोल दूँ क्या पता कौन सी आ जाए। हाँ हाँ वो तो ठीक है। तो मतलब फिर अभी क्या ये आपकी मतलब टायर ट्यूर भी कुछ नए वे डलवाए आप बता रहे थे? टायर जब लिए थे हाँ तब बिल्कुल नए थे। ठीक है। 500 किलोमीटर चले थे। अच्छा हमारे पास बिल भी था तब चारों टायर डलवाए थे इसके।
ठीक है, स्टेपनी का तो वैसा ही था, चारों टायर नए थे तब चल रहे थे, अभी अभी आगे वाले दो चेंज कराए थे, थोड़े चले हुए लगाए थे जिस जो मैकेनिक था, और तो वो ही है ये। और ये सीएट के टायर का बताते हैं, ये सीएट के टायर लगवाए थे जब नए नए, 6000 रुपए का एक टायर था उस टाइम पे। अच्छा, और चारों टायर में एक प्रॉब्लम जरूर आई थी कि ये ना ये यहाँ से फूल जाते हैं, देखिए देख कितना बल्ज आउट हो रखा है, देख बल्ज आउट देख कितना, हाँ हाँ बाहर आ रखा है ये ना, ये चारों टायर में हो गया था। अब ये नहीं पता क्या सीएट के टायर है और ये। अच्छा, मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, सीएट के मैंने भी यूज करे हैं, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने पूछा भी तो पूछा, उन्होंने यही कहा था कि सीएट के टायर नहीं है इतने, लेकिन अब लग गए थे जैसे भी, अब आगे वाले दोनों चेंज है टायर। अच्छा, अभी अभी करवाए हैं, वो जब फटा था जब तो करा लिया होगा, वो उसके साथ एक दिए भी चेंज करा दिया था। अच्छा, तो आगे वाले चेंज है। ठीक है, तो फिर ये तो हो गया टोटल एक्सपीरियंस ओनर का, अभी इसका एक बार सिस्टम सुना दे। खोलिए, वो तो आके आपने देखी आज की ये वीडियो जिसमें ओनर ने अपना फुल रिव्यू शेयर करा, एक प्री ओन्ड गाड़ी को उन्होंने कितने नाजों से रखा आप देख सकते हैं, मतलब इतने पैसे खर्च करे, हर सर्विस कंपनी में करवाई, आजकल लोग नहीं करवाते, सेकेंड हैंड गाड़ियों पे लोग इतने पैसे नहीं खर्च करवाता। जितनी मैंने बात करी तो उनसे बात करके मुझे ये लगा कि उनको अलग ही प्यार था अपनी वरना से, मुझे मेरी भी फेवरेट गाड़ी रही है वो, तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट के बाद उनको बेचने का आया दिमाग में, एक्सीडेंट के बाद भी जहाँ तक उन्होंने बताया आपने देखा वीडियो में, आराम से 30-35 हज़ार उसमें 20-22 हज़ार तो उन्होंने खर्च करे, बाकी 10-12 हज़ार से नीचे जैसे कि आपने फोटोज़ देखी बम्पर्स वगैरह चेंज हुए होंगे इससे कम नहीं लगे होंगे, तो इतने खर्च करने के बावजूद अब वो बेच रहे हैं। और मैंने खुद चलाया, बिलीव मी गाइस, 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद भी वो गाड़ी बिल्कुल नई जैसी चल रही है, तो मैं उसका जो ड्राइव रिव्यू होगा वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। ये वीडियो 12-13 मिनट की बन चुकी है, तो पार्ट टू के लिए प्लीज़ वेट करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर दें। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।